प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूं कि स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। जितने भी विद्यार्थी 2025 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही खास खबर लेकर के आ चुका हूं। और बच्चों, ये जो खबर आ रही है दैनिक जागरण का कटिंग न्यूज है। न्यूज के माध्यम से बच्चों ये बताया जा रहा है कि जाने कब होगा यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 और क्या डेट भी फिक्स हो चुका है। इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से समझने का पूरा प्रयास करेंगे। और यहाँ पे न्यूज में बच्चों ये बताया जा रहा है कि महाकुंभ के कारण पिछड़ेगी यूपी बोर्ड परीक्षा और मार्च में होगी। तो बच्चों हम सभी को पता है कि कुंभ तो हमेशा लगता है, हर साल लगता है, लेकिन ये जो महाकुंभ लगता है 12 साल के बाद लगता है। कहाँ लगता है? तो प्रयागराज में लगता है। तो इस महाकुंभ के कारण जो यूपी बोर्ड परीक्षाएं फरवरी में स्टार्ट हो जाती है, अब इस कुंभ के वजह से फरवरी में ना होकर के अब मार्च में चला जाएगा। तो क्या बच्चों, अगर मार्च में ये पेपर होना स्टार्ट होगा तब तैयारी कैसे करें? हमारे पास एक और महीना बढ़ चुका, तैयारी करने का सुनहरा मौका भी आ चुका है। तो बच्चों आज के इस वीडियो के माध्यम से समझने का पूरा प्रयास करेंगे कि मार्च में होगा तो कब से होगा, क्या कमेटी का गठन हो चुका है कि नहीं हुआ है, इन सभी चीजों पे समझने का पूरा प्रयास करेंगे। और 14 जनवरी को मकर संक्रांति स्नान से 26 फरवरी महाशिवरात्रि तक रहेगा स्नान पर्व। तो जब 26 फरवरी तक स्नान पर्व ही रहेगा तो कहीं ना कहीं परीक्षाएं आप सभी का मार्च में जाना तय ही है, इसमें कोई संशय की बात नहीं है। तो आइए बच्चों समझने का पूरा प्रयास करेंगे। ये दैनिक जागरण की कटिंग न्यूज है। इस न्यूज के माध्यम से क्या बताया जा रहा है सारी चीजों को डिटेल में समझने का पूरा प्रयास करते हैं। एक एक चीज को पढ़ते हैं, पढ़ के सुनाते हैं आप सभी को। अब लिखा जा रहा है कि संगम तट पर लगने वाले महाकुंभ का असर यूपी बोर्ड की वर्ष 2025 की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा के आयोजन पर भी पड़ेगा। कहीं ना कहीं बताया जाए कि जब महाकुंभ लगेगा तो हाई स्कूल हो चाहे इंटरमीडिएट की परीक्षाएं हो, ठीक ना, इसका असर इस पेपर पे पड़ेगा। महाकुंभ के आयोजन पर मुख्यमंत्री के विशेष फोकस तथा देश विदेश में किए जा रहे प्रचार प्रसार को देखते हुए यूपी बोर्ड इस बार महाकुंभ के बाद परीक्षा के आयोजन की तैयारी कर रहा है। शासन और बोर्ड स्तर से प्रयास किए जा रहे हैं कि न तो बोर्ड परीक्षा से महाकुंभ के आयोजन पर कोई विपरीत प्रभाव पड़े और न ही महाकुंभ के आयोजन से बोर्ड परीक्षा पर, ठीक ना। एक मिनट आपको पढ़ के सुना दे रहे हैं पूरा हर चीज, ठीक है। चलिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि आयोजन पर कोई विपरीत प्रभाव पड़े और न ही महाकुंभ के आयोजन से बोर्ड परीक्षा के व्यवधान आएंगे। ऐसे में मकर संक्रांति एवं पर्व जो होगा वो आप सभी कितना 14 जनवरी से शुरू होगा, हो रहे महाकुंभ से अंतिम स्नान पर्व और महाशिवरात्रि 26 फरवरी के बाद, यानी कि मार्च में बोर्ड परीक्षा का आयोजन करने का तैयारी किया जा रहा है, ठीक ना। और आप यहाँ पे देख सकते हैं एक और चीज मैं आपको दिखा दे रहा हूं। अंत में इन लोगों ने जो बात यहाँ पे कही है ये चीज कि श्रद्धालु व कल्पवासी आएंगे, ठीक ना, और कल्प स्नान दान ध्यान करने के बाद बड़ी संख्या में यूपी बोर्ड के परीक्षार्थियों के परिवार के लोग भी शामिल होंगे। इसके अलावा महाकुंभ के आयोजन के चलते अत्यधिक भीड़ में विशेष स्नान पर्वों के दौरान यातायात भी प्रभावित हो सकता है। सरकार की मंशा को देखते हुए और बोर्ड महाकुंभ संपन्न होने के बाद परीक्षाएं आयोजन का प्रस्ताव कर रहा है। फरवरी माह में परीक्षाएं शुरू कराने के प्रस्ताव पर एक राय नहीं बनी। मतलब जब आप सभी का फरवरी महीने में पेपर जो कराने का टाइम है, इस पे किसी भी बोर्ड का या बोर्ड की कमेटी का एक राय नहीं बनी, ठीक ना। और इस बार बोर्ड परीक्षा में कुल मिलाकर के 54,38,597 छात्र छात्राएं शामिल होने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों देख सकते हैं, ये रहा आप सभी का यूपी बोर्ड परीक्षा का अभी का तुरंत लेटेस्ट वायरल न्यूज। और इसी न्यूज के हिसाब से आपको क्या करना है, तैयारी करना है, ठीक ना। इसी न्यूज के हिसाब से आपको भी तैयारी करना है। ऐसा नहीं कि आपको तैयारी नहीं करना है, पूरा बढ़िया से लग जाना है, क्योंकि भैया टाइम भी आपको मिल रहा है बढ़िया से। जो परीक्षाएं फरवरी में हो रही थी अब ये फरवरी में ना होकर के अब ये मार्च में होगी। तो जिन बच्चों के लिए जिनका तैयारी नहीं है उनके लिए एक अच्छा मौका भी है, एक महीना का टाइम मिल रहा है, वो तैयारी को बेहतर बना सकते हैं अपने, वो तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है वो सिलेबस भी अपना कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक ना, या जो भी आपका टेस्ट वगैरह होता है टेस्ट भी दे सकते हैं, या जो भी आपका मॉडल पेपर भी अभी तो नहीं आया है, या प्रीवियस ईयर पेपर आप लोग लगाते रहिए, ठीक ना, आप तैयारी करते रहिए क्योंकि परीक्षाएं तो होना तय ही है, फरवरी में हो या मार्च में हो। तो फरवरी में तो इस बार होगा नहीं, मार्च में ही होगा। अब कितने मार्च तक होगा इन्होंने डेट नहीं दिया है, लेकिन हमें लगता है कि मार्च के फर्स्ट वीक के अंत तक परीक्षाएं स्टार्ट होना तय हो जाएंगी। तो प्यारे साथियों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।